Hello everyone, and today with me is the real hero, the real genius behind Super 30, Mr. Anand Kumar. Welcome to the Quint, sir. बहुत-बहुत धन्यवाद. तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया ये स्टार्ट करने का? सुपर 30 नाम भी दिया आपने. 1994 में मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था फॉर हायर एजुकेशन. बट पैसा हमारे पास नहीं था. पिताजी पोस्टल एम्प्लॉई थे, जो फिल्म में भी दिखाया गया, चिट्ठी छांटते थे, बांटते थे. हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि एडमिशन हो चुका है, फ्लाइट पर बैठने का भी किराया नहीं था. उनका टेंशन बढ़ता गया, उनका सडन डेथ भी हो गया इसी सब टेंशन के चलते. तब लगा कि ऐसे बच्चे हमारे जैसे बहुत हैं जिनकी पढ़ाई पैसे के चलते छूट जाती है. तब माताजी पापड़ बनाती थी, हम घूम घूम कर उसे बेचते थे, उससे जो आमदनी होती थी घर का खर्चा चलता था, और फिर इन तमाम बच्चों को चुन कर घर में रख के पढ़ाना शुरू किया. तो आपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट करना स्टार्ट किया मतलब? जी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी बच्चे से एक रुपया भी नहीं लेते, उनको फ्री में घर में अपने परिवार के साथ साथ परिवार जैसा रखते हैं, ताकि उसमें एक भावना भी आए कि मुझे कुछ करना है. ये मास्टर, ये टीचर, उनका परिवार हमारे लिए डेडिकेटेड है, तो हमारा भी पूरा 100% लगे. तो हम लोग किसी से, चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हों या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, सब लोगों ने, मुकेश अम्बानी जी ने, आनंद महिंद्रा जी ने, सब लोगों ने कहा CSR फंड ले लो, पैसे ले लो. हमने आज तक किसी से एक रुपया डोनेशन नहीं लिया, बल्कि हम लोग खुद शाम को ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसा उपार्जन करते हैं, उससे इन बच्चों का, हमारे परिवार का, कुछ वॉलंटियर्स हैं उनका खाना खर्चा चलता है. तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले, या पूरा आपका योगदान रहा है स्क्रिप्ट लिखने में? जिस पर भी बायोपिक बनती है उनका वो लोग राइट लेते हैं, उनके घर भी जाते हैं, कहानी समझते हैं और लिखते हैं बस. लेकिन हमारे साथ अभी तक सबसे अलग हुआ, इसलिए हम लोगों ने इनको साइन भी किया. ये लोग न सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में, बल्कि डायरेक्टर कौन होगा, उनका डायरेक्शन में क्या रुझान होगा, किस तरह से करेंगे, एक्टर कौन होंगे, सब में हमारा डिसीजन है. और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ज़्यादा काम हमने किया है इन लोगों के साथ, वो स्क्रिप्ट पर किया है. और बहुत बार तो हमारा विकास बहल जी से, संजीव दत्ता से हॉट टॉक भी हो जाता था कि नहीं, हम कुछ भी नहीं चाहते कि इसमें फिक्शन हो, जो वास्तविक कहानी है वही आए. कई बार ऐसा होता है जब डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं तो मासेस में ब्रीच हो, उसके लिए एलिमेंट्स इधर उधर डाले जाते हैं फिक्शनल. जी जी, तो हमने मना किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, फिल्म अच्छी बने ये ज़्यादा है. कितना कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना रहे हैं, इससे ज़्यादा आप चीज अच्छी बनाई. परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है आपका? ऋतिक रोशन आपका किरदार प्ले कर रहे हैं. जब फिल्म की बात हुई थी, जब हम ऋतिक रोशन जी का चुनाव कर रहे थे, तो लोग हंस रहे थे कि अरे ये तो ग्रीक गॉड टाइप का आदमी है, तुम अपने जैसा कोई देहाती लुक वाला लोगों को रखो. लेकिन जब ऋतिक रोशन जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला था कि देखिए आनंद सर, ये फिल्म बहुत कठिन है, इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, साल भर, एक साल हमें लगे रहना पड़ेगा, तब चीज़ें उभर के आएंगी, और हमें आपके करेक्टर में घुस जाना पड़ेगा. जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से हमारे साथ 5-7 मीटिंगें की, लंबी लंबी, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे की, जैसे ही टेलर आया हमारे माँ के आंखों से आंसू चलने लगा, भाई काफ़ी रोमांचित हो गया, और हमारी छोटी एक बिटिया है 2 साल की, वो चिल्ला उठी, पापा पापा आप है, आप है. तो सोचिए कितना, मैंने इन्होंने इफेक्ट डाला. कई लोगों ने क्रिटिसिज्म भी करा है लुक का, कि डार्क दिखने की कोशिश करी गई है ऋतिक रोशन को, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन उस तरह का नहीं है. उसके बारे में क्या कहना? होता क्या है ना कि जैसे हम अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, लोग बोले कि चलिए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा नहा धो के अच्छे से आए कि नहीं भाई अब आप लोगों से बात करना है, फिल्मी बात है भाई. लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि जब उस समय हमको शूट करते थे देखते हुए, जब हम पढ़ाते रहते थे, या काम बिना बाल झड़ा हुआ, गर्मी और धूप से चेहरे पर कालापन आया हुआ, तो इन्होंने बहुत शानदार कोशिश की है, ज़बरदस्त कोशिश की है उसको मिलाने की. पिछले साल में हमने कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आपसे रिलेटेड भी देखी, कुछ PILs देखे जिसमें लोगों ने बोला कि आप बाकी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को दिखाते हैं. तो जब फिल्म बन रही थी, बड़ी बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं विरोध होना, कहीं ना कहीं किसी को बुरा लगना, तो जो ज़िंदगी से हारे हुए इंसान होते हैं, जिससे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो भी 100 रुपया खर्चा करके कहीं केस कर दिया, कहीं मुकदमा कर दिया, कोई अखबार में बयान दिया, कभी कभी तो इतना मन छोटा हो जाएगा, लगेगा कि ये सब काम छोड़ दें. काफ़ी मुश्किलें आई. आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि फिल्म मेकिंग में हमारे एक निर्दोष साथी को 3 महीने तक जेल में बंद कर दिया गया. क्यों? फेसबुक पर लिखा, क्या लिखा, बाद में हमने जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पुलिस है उसके सामने गुहार की, तो 3 महीने बाद वो पूरा निर्दोष साबित हुआ.
हमारे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया, पैर 3 टुकड़े में तोड़ दिया, ये 22 दिसंबर पिछले साल। तो ये क्या क्या नहीं हमको भुगतना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी पर फिल्म बन रही है। मैं दिल से कर रहा हूँ, कोई आज के तारीख में नहीं चाहता है, बहुत कम लोग चाहते हैं कि गरीब का भी बेटा आगे पढ़े। तो आपने कई बार बोला है कि मैथ्स एक फीलिंग है, है ना, मैथ खुद से आना चाहिए। तो सर अगर किसी को मैथ्स पसंद नहीं है वो तब भी IIT JEE के लिए बैठ सकते हैं? मैथमेटिक्स को रटे नहीं बल्कि उसका हाउ एंड वाई समझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है? समझ मैथ्स आए बिना काम नहीं होगा, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता सर। बट एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि ऐसे ही मतलब मजे मजे में आप एक बस चला रहे हैं, ठीक है, उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, पहले स्टॉप पे बस रुकी तो 5 लोग उतर गए, 3 लोग चढ़ गए, उसके अगले स्टॉप पे 4 लोग उतर गए, 3 लोग चढ़ गए, उसके अगले स्टॉप पे 2 लोग उतर गए, 3 और चढ़ गए, तो बस ड्राइवर की एज कितनी है? पता नहीं भाई, ये तो कितने लोग चढ़ रहे हैं कितने लोग उतर रहे हैं इससे कोई बस ड्राइवर का एज लगाना तो मुश्किल है। शायद हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे स्टूडेंट हैं। कुछ नहीं सुना आपने, आप बस चला रहे हैं? अच्छा अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस।